A quick recap. Today we are discussing bullying. Bullying means tang karna. Tang karna is of three types: mental, physical, and emotional. Mental, physical matlab, mental tang karna means kisi ko kisi problem mein dalna ya kisi ko koi stress dena. For example, kisi ka jhoota naam lagana, kisi ko janbujhkar kisi problem mein ghasitna. Jaise, if there is a theft in the class, sari class ka ek hi bacche pe naam lagana. If there is a mistake in the class, sari class ka ek hi bacche par blame lagana. These are two examples of mental bullying. Now, I want you students to give the examples each. अगर किसी से ग्लास टूट जाए मगर वो जान पूछ कर कमज़ोर बच्चे का या जो पढ़ाई में वीक बच्चा हो या जो ज़्यादा बोलता ना हो उसका नाम लगाया जाए, दैट इज़ ऑल्सो बुलिंग. अगर किसी बच्चे की कॉपीज़ ख़राब की जाएँ, उसकी बुक फाड़ दी जाए, उसने प्रोजेक्ट बनाया वो छुपके से ख़राब कर दिया जाए सिर्फ इसलिए कि वो कुछ कहता नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो एन एग्ज़ाम्पल ऑफ मेंटल बुलिंग. अगर किसी के नोट्स ले लिए जाएं, उसका टेस्ट आने वाला हो या ही प्रिपेयर दैट विद अ लॉट ऑफ एफर्ट, आपसे वो मिसप्लेस हो गए, दैट इज़ ऑल्सो बुलिंग, जिसका इलाज खुद उसके नोट्स लिखना या फोटो स्टार्ट कराकर नीटली उसकी कॉपी को दोबारा बनाना ही है. सॉरी डज नॉट वर्क इन दिस केस. अगर कोई क्लास में एबसेंट हुआ उसके बारे में झूठी कहानी बनाना, मेकिंग अप अ स्टोरी टू ट्रैप हिम, इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मेंटल बुलिंग. टीचर से ऑल द स्टूडेंट्स आर यूजली स्कैर्ड. टीचर के सामने जानबूझकर एक बच्चे का बैग छुपाना या उसको जानकर ब्लेम कर डांट पड़वाना सो दैट ही फील्स इंसल्टेड एंड स्मॉल, दैट इज ऑल्सो मेंटल बुलिंग. मेंटल बुलिंग का एक और मतलब है उसी दिन उसी समय वो फंसा, नॉट फॉर एवर. जान के अपनी चीज को खराब करना ताकि किसी और का नाम लगे या किसी प्रॉपर्टी ऑफ स्कूल को खराब करना ताकि किसी और पे ब्लेम आ जाए, दैट इज ऑल्सो मेंटल बुलिंग. चीटिंग इज अनदर केस. जानबूझकर किसी बच्चे से देखना ताकि टीचर उसका भी पेपर फाड़ दे एंड योर्स आल्सो, दैट इज आल्सो मेंटल बुलिंग. सो इफ यू फोर्स योर फ्रेंड एंड मेंटली टॉर्चर हिम, हेल्प मी इन द एग्जाम, इफ यू कीप लुकिंग एट हिम इन द एग्जामिनेशन हॉल, इफ यू कीप कर्सिंग हिम, यू आर नॉट शोइंग मी द पेपर, शो मी द पेपर प्लीज कर दे, इवन रिक्वेस्ट करना ताकि वो भी फंसे, दैट इज आल्सो मेंटल बुलिंग. नाउ लेट अस टॉक अबाउट फिजिकल बुलिंग. As the name suggests, physical bullying means kisi ko physically injure, hurt or even kill kar dena. It happens. Famous cases are bade bhai ke friends chote bhai ko almari mein mazak ke liye band kar dete hain. Chote bacche ko kheench kar bhooton wale kamre mein lekar jana kyunki wo believe karega bhoot hote hain, usko tang karna, kisi ko push karna. These are all examples of फिजिकल बुलिंग. टम्बल करना, टॉपल करना, उसके आगे हर्डल्स रखना, पुश, ऑल पार्ट ऑफ फिजिकल बुलिंग. स्कूल में बॉयज कंपास को नीचे रख देते हैं व्हेन समबडी इज गोइंग टू सिट. द वर्स्ट केस ऑफ फिजिकल बुलिंग, इट कैन हर्ट यू सो बैड कि आपकी बॉडी के ऑर्गन्स भी खराब हो सकते हैं. उसी तरह से बैग्स को किसी के मुंह में डाल देना, एज इन उसका या पॉलीथिन्स में, कई लोग ये डर्टी थिंग करते हैं, दे ओपन द पॉली बैग, दे वॉन्ट टू सी समबडी बैडली फ्लटरिंग जैसे फिश करती है पानी के आगे, तो उसके मुँह पे पॉलीथिन डालकर एक सेकेंड दो सेकेंड के लिए बंद करते हैं लड़के मिलकर, दैट्स फिजिकल बुलिंग. लाइट्स ऑफ कर किसी लड़के को रिपीटेडली मारना इज ऑल्सो फिजिकल बुलिंग. All these cases are very dangerous and lethal. Sweaters ko upar sir ke dalkar repeatedly punch karna, ek taraf group aa jaye ek taraf single banda ho, that is also physical bullying. Sports khelte samay jaanboojhkar ek bacche pe target banana taki us par ball ka dodge
ज़्यादा किया जाए, सिक्का ज़्यादा मारा जाए, दैट्स ऑल्सो फिजिकल बुलिंग। क्लास के अंदर चेयर पे कोई बैठने लगे और आप उसकी चेयर को पीछे खिसका दो, दैट्स अनदर वेरी बैड एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल बुलिंग विच कैन गिव इंजरी। ज़बरदस्ती जब कोई डेस्क गंदा हो या उसमें कोई स्प्लिंटर्स बाहर आए हों, छिलतर, ऐसी चीज़ें किसी को पकड़ाना या उस पर बिठाना इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ मेंटल एज वेल एज फिजिकल बुलिंग, क्योंकि ही कैन नॉट ओनली हर्ट हिमसेल्फ, ही माइट इवन स्पॉइल हिज क्लोथ्स, और वो उस दिन के लिए प्रॉब्लम में फंस सकता है। किसी बंदे को डार्क रूम में लेकर जाकर रिपीटेडली मारना या उसको बंद कर देना एज वी डिस्कस प्रीवियसली इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फिजिकल बुलिंग। डर्टी ऑब्जेक्ट्स को फैलाकर, फॉर एग्जाम्पल गम, ग्लू और इवन हल्दी और सोपी वाटर, बकेट को गेट के ऊपर रखना, एनीथिंग लाइक दैट जिससे किसी को हर्ट हो सकता है, दैट मीन जो होली के दिन लोग बाइक्स पर और होली से पहले बाइक्स पर और जब वो इवन गाड़ियों के अंदर बैठकर सड़कों में रैंडम लोगों को बलून थ्रो करते हैं, दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ बुलिंग, इट कैन लीड टू वेरी बैड एक्सीडेंट्स। लेबोरेटरीज के अंदर डेंजरस केमिकल्स का जानबूझकर ड्रिपिंग या ड्रॉप्स किसी स्टूडेंट के ऊपर गिराना फॉर फन, बाद में उसे कहना डोंट टेल एनीबॉडी, यू हैव फिजिकली असॉल्टेड हिम, दैट इज ऑल्सो बुलिंग। नाउ वी टॉक अबाउट द लास्ट कैटेगरी, द वर्स्ट ऑफ ऑल, द मोस्ट स्कैरी ऑफ ऑल, इमोशनल बुलिंग। इमोशनल बुलिंग का एक ही रिजल्ट है, सुसाइड। अगर आप किसी के साथ इमोशनल बुलिंग करते हो, यू आर अ मर्डरर, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए द पीपल हु डू दैट दे आर एज बिग अ क्रिमिनल एज एनीबॉडी हु मर्डर्स विद अ वेपन। फॉर एग्जांपल किसी की फैमिली बैकग्राउंड पर कमेंट करना ताकि वो बहुत छोटा फील करे या इंसल्टेड फील करे। लेट्स से समबडीज पेरेंट्स वर सर्वेंट्स, they worked very hard, they used their cleaners and sweepers, they by a lot of struggle and hard work admissioned their child in a good school, but sare school ke bachcho ne us bacche ko boycott kar diya, segregate kar diya, isolate kar diya, seclude kar diya, just because uske parents gareeb family ke the aur lower scale of occupation par the, that is a very bad example of emotional bullying। अगर किसी को कोई फिज़िकल डिफॉर्मिटी है, फॉर एग्जांपल ओबेसिटी जिसका मतलब है मोटापा, और कोई पोलियो एज इन उसकी टांगें ठीक नहीं है, कलर कॉम्प्लेक्शंस और पिंपल्स और एनीथिंग ऑफ हिज फिज़िकल एरिया, अगर हम उसको उस बात पे कमेंट करें, उसको बार बार याद कराएं, ही कैन फील वेरी स्मॉल, ही कैन नॉट फेस हिमसेल्फ, ही लूजेज अ सेल्फ रिस्पेक्ट। आपके कॉमेंट और आपका जो आप निक नेम्स डाल देते हैं, pet names, all these names can lead to a great emotional stress। किसी के बोलने के स्टाइल पर या उसकी आवाज़ की पिच पर कमेंट करना, उसको जेंडर लेवल पर तंग करना, as in if he is a boy उसको girl कहना, if he is a girl उसको boy कहना, या किसी को किसी animals के साथ compare करना, all of these things are part of emotional bullying। It can make a person feel ugly एंड डर्टी। अगर किसी की स्पीच क्लियर ना हो, वो स्टटर, फंबल या प्रोनाउंसिएशन उसकी डिफरेंट हो, इन बातों का बार बार उसकी बात पे कमेंट करना, वो बच्चा बोलना ही बंद कर देगा, उसका कॉन्फिडेंस टूट सकता है, दैट इज़ ऑल्सो इमोशनल बुलिंग। सम स्टूडेंट्स आर वेरी मीन, उनके दिल में दिल नहीं होता। व्हाट आई मीन टू से, अगर किसी के घर में कुछ मिस हैपनिंग हुई, किसी के घर में डिमाइस, डेथ हुआ, उसको उस बात पे कमेंट करना ताकि वो लो फील करे, लोनली फील करे। अगर वो बच्चा खुश था किसी दिन, तो उस दिन उसको किसी सैड बात का याद कराना इज़ ऑल्सो इमोशनल बुलिंग। अगर किसी से कभी कोई गलती हुई हो और आपको उस गलती का पता हो, बार बार उसको उस गलती का याद कराना सो दैट ही इज़ ऑलवेज सप्रेस्ड बाई यू, ही इज़ ऑलवेज स्केयर्ड ऑफ यू, उसको ब्लैकमेलिंग कहते हैं, दिस इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ बुलिंग। किसी को ब्लैकमेल करने के लिए उससे वो काम कराने जो उसको अच्छे नहीं लगते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को स्टेज पे जाने से बहुत डर लगता है,
मगर उसको गलत कस्में डालकर या उसको ब्लैकमेल कर स्टेज में ज़बरदस्ती परफॉर्म कराया जाए कि वो रोने के लेवल का हो, दैट इज़ ऑल्सो इमोशनल बुलिंग. इफ़ ही इज़ नॉट रेडी ही नीड्स टाइम. यू कैनॉट टेक हिम टू द स्टेज सो दैट ही क्रिएट्स अ बिग डिज़ास्टर एंड ही इज़ रिमेंबर्ड फॉर हिज दैट परफॉर्मेंस और दैट डे फॉर एवर, जब तक वो बड़ा ना हो जाए. अगर कोई स्टूडेंट क्लास में अनप्रिपेयर्ड आया या उसकी लर्निंग स्लो है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम कारण अगर उसने गलत आंसर दिया, अगर हम हंसेंगे तो धीरे धीरे वो और वीक हो जाएगा एंड दैट बॉय और गर्ल वुड बिकम वीक, इमोशनली डिस्ट्रेस्ड एंड एज यूजुअल सुसाइड. नाउ हमें लगता है दिस प्रॉब्लम इज ओनली इन चिल्ड्रन बिकॉज ऑल द एग्जाम्पल्स दैट वी डिस्कस्ड कंसर्न चिल्ड्रन, बट वी डोंट नो दिस प्रॉब्लम इज सफर्ड बाई एवरीबॉडी इन द सोसाइटी. क्लासरूम से ये प्रॉब्लम शुरू होती है और वो बड़े होके स्प्रेड करती है. फॉर एग्जाम्पल इन द सोसाइटी आपने सुना होगा यार उसके पापा पॉलिटिक्स में हैं उनसे डर के रहो, या उसका भैया बहुत बड़ा गुंडा है उससे बच के रहो. बॉयज़ अक्सर इस केस में ज़्यादा आ जाते हैं जिसके कारण वो अपने पेरेंट्स से गलत डिमांड करने लगते हैं. पेरेंट्स भी स्ट्रेस में आकर अपने आप को प्रॉब्लम में डाल देते हैं. डिमांड्स लाइक I want a bike or I want something big and expensive which parents can't afford. इसके अलावा बड़े भी अपने बिजनेस में कंपटीशन को सफ़र करते हैं जिसमें एक बंदा हमेशा गलत तरह से गेम खेलता है. ये सारी प्रॉब्लम आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकती है. द रीज़न वी आर डिस्कसिंग दिस बिकॉज हर क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं. बच्चों की अगर हम पर्सनैलिटी की बात करें, हर क्लास में एक बच्चा सिंसियर होगा जिसको आप पढ़ाकू कहोगे और उसकी सिंसेरिटी तोड़ने की कोशिश करोगे, विच इज़ वेरी रॉन्ग. सिंसेयर और पढ़ाकू में फ़र्क होता है. सिंसेयर वो बच्चा है जिसको अगर कोई काम दिया जाए उससे पूरा किए बिना नहीं रह जाता, उसको नींद नहीं आती है, उसकी प्रॉब्लम है. सिंसेरिटी इज़ ऑल्सो अ डिज़ीज़ बट इट इज़ अ गुड डिज़ीज़. अगर आप उसको कहते हो तो सारा दिन पढ़ता रहता है, किताबों में बना रहता है, आप उसकी इंडिविजुअलिटी ख़राब कर रहे हो. दैट्स हाउ ही इज़. सेकेंडली अगर कोई बंदा चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अब पहले वो पता लगा सिंसेयर. सेकंड इज़ अ क्रिएटिव स्टूडेंट. क्रिएटिव स्टूडेंट वो है जो हमेशा ड्राइंग्स या डिफरेंट चीज़ें करेगा. समटाइम्स टीचर्स उस पर कमेंट कर देते हैं कि काम का तो तुमसे कोई काम होता नहीं, ये सब करवा दो. दैट मीन्स टीचर्स आर डिस्करेजिंग हिम फ्रॉम समथिंग. दैट ऑल्सो विल बी कॉल्ड इमोशनल बुलिंग. थर्ड तरह का बच्चा होता है जो स्पोर्टी होता है. वो ज़्यादा बोलता नहीं है, उसको फिज़िकल स्पोर्ट्स या एक्टिविटीज़ अच्छे लगते हैं. इस बच्चे को बार बार पेरेंट्स का कहना बोलता ही नहीं है, उसका कॉन्फिडेंस और टूट जाता है. अगर हम उसकी इसी बात को हाईलाइट करें कि ही इज़ गुड एट स्पोर्ट्स, ही लाइक्स एडवेंचर, ही इज इन टू थ्रिल, ही कैन इम्प्रूव लाइक दैट. दूसरी तरफ कुछ लड़के जिनका एकेडमिक्स में इंटरेस्ट नहीं होता, वो लड़के जो अपनी फिज़िकल पावर को लेकर गर्ल्स में भी या अपनी इमोशनल कनेक्शंस को लेकर दूसरों पे राज करें, उन पे ध्वंस जमाएं, दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ इमोशनल बुलिंग. उसके अंदर भी जो सामने वाला है उसको बहुत चिंतित फील हो सकता है. कितने तरह के लोग हो गए? सिंसेयर, क्रिएटिव, स्पोर्टी, गूनिश. थर्ड फोर्थ कौन सा है? गूनिश. गूनिश इज समबडी जो अपनी ध्वंस जमाए हर बात पर. अगर उसने बैठना है तो धड़म करके बैठता है जान के ताकि गड़बड़ हो. उन्हीं बच्चों से डेस्क और प्रॉपर्टी खराब होती है. सो दीज आर द फोर काइंड ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल द क्लासरूम. इसके अलावा एक रेस्ट कैटेगरी है, फिफ्थ. रेस्ट कैटेगरी वो होती है जो स्टूडेंट्स किसी एकेडमिक डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं. आपने तारे ज़मीन पर मूवी देखी थी. ही हैड अ प्रॉब्लम कॉल्ड डिसलेक्सिया. डिसलेक्सिया में द वर्ड्स डांस फॉर हिम, ही कैनॉट फोकस ऑन दैट. उसी तरह से लर्निंग डिफ़िकल्टीज, हमें लगता है तुझे इतनी सी बात नहीं समझ लग रही, बट यू डोंट नो दैट ही इज़ सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन इन हिज माइंड. दैट प्रॉब्लम का एक ही सलूशन होता है, रेपिटिशन. क्योंकि उस बच्चे को वो काम बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम है, वो रेपिटिशन ही नहीं कर पाता, उसको लेजीनेस फील होती है. ये वही कंडीशन है जैसे मैं आपको कही जाऊँ भार उठाओ उठाते जाओ, थक जाओगे ना. आप 6 घंटे स्कूल में बाहर उठा के आए, ट्यूशन में 4 घंटे बाहर उठाया, उसके बाद उसको और रेपिटेशन चाहिए. अगर हम फ्रेंड्स बनकर उस स्टूडेंट की हेल्प करें,
उसको अलग से समझाएं या उसको कहें बस इतनी सी बात है तू मेरे पीछे बोल, हम उसकी रेपिटेशन में मदद कर सकते हैं, इस तरह से वो जल्दी सीख सकता है। और ऐसे रिलेशंस बन जाते हैं कि ये वाला जो आपका फ्रेंड होता है आपके सही फ्रेंड से ज़्यादा अच्छा होता है, बिकॉज ही इज़ मोर थैंकफुल टू यू इन फ्यूचर। और जब कल को सभी के पास कोई पावर्स आ जाती हैं, व्हेन यू आर ग्रोन अप, आपके रिलेशंस हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास दम है, ये फ्रेंडशिप ज़्यादा देर लास्ट करती है। यू आर गेटिंग? सो अगर आप किसी को बुली करते हो, आप फ्रेंडशिप का एक मौका गुमा बैठते हो, आप किसी की लाइफ में डिस्ट्रेस डालते हो। और मैं आपको बात बताऊँ, टीचर्स को दिख रहा होता है कौन सा स्टूडेंट तंग करने वाला है और कौन सा स्टूडेंट तंग होने वाला है। मेरे जैसे टीचर्स पहले क्लास में डिवाइड कर देते हैं, हम पंजाबी में कह देते हैं एक औखा बच्चा एक सौखा बच्चा। औखे बच्चों को हमेशा नज़र में रखो, सौखों को बचा के रखो। दैट्स द आर्ट यू हैव टू लर्न।